हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टैचू है जो कि पेडेस्टल पे खड़ा है। अब क्वेश्चन है कि पेडेस्टल किसको बोलते हैं। तो बहुत जगह देखे होंगे जहां भी स्टैचू बना है, जिनका भी स्टैचू बना होगा वो एक पेडेस्टल पे बना होता है। पेडेस्टल कुछ पिलर टाइप का बेस होता है, कुछ ऐसा इस तरह का, ठीक है, बहुत जगह देखे होंगे। तो और इसी पेडेस्टल पे, इसी पिलर पे स्टैचू खड़े होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये मान लो मेरा स्टैचू है और ये पेडेस्टल है। तो पेडेस्टल सिंपली हम बोल सकते हैं एक पिलर होता है बेस टाइप का जिस पे स्टैचू खड़ा होता है, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से। अब क्वेश्चन में ये है कि ये मान लो ग्राउंड है मेरा, ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, तो किसी पॉइंट मतलब मान लो ये पॉइंट है मेरा, इस पॉइंट से एक बार हम स्टैचू के टॉप पे देख रहे हैं। तो स्टैचू के टॉप पे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, सॉरी लाइन ऑफ साइट क्या होगा, लाइन ऑफ साइट मेरा ये होगा, क्लियर है। और एक बार पेडेस्टल के टॉप पे देख रहे हैं, तो पेडेस्टल के टॉप पे देखेंगे तो उस केस में लाइन ऑफ साइट क्या होगा मेरा, ये होगा, क्लियर। अब दोनों ही केस में क्या है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को या पॉइंट को। तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी पॉइंट या कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हो तो उस केस में लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या बनाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है। तो दोनों ही केस में क्या होगा मेरा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। तो पहला केस में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है और जब टॉप ऑफ पेडिस्टल देख रहे हैं तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है मेरा, 45 डिग्री बन रहा है। और यहां पे स्टैचू का हाइट भी दिया है क्वेश्चन में 1.6 मीटर और हमको फाइंड करना है इस पेडिस्टल का हाइट। ये मेरा क्या है, पेडिस्टल, इसका हाइट फाइंड करना है कि हाइट क्या होगा, ठीक है, हाइट फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसको हम रफली समझा दिए हैं रफ फिगर से। अब इसको हम रियल डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर है यहाँ पे। चलो तो इस डायग्राम को क्लीन कर रहे हैं क्योंकि ऐसे बनाना नहीं है, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है कि स्टैचू बना दिए ऐसे, ठीक है। हम बताएं कोई भी चीज़ हो, स्टैचू हो, पेडेस्टल हो, टावर हो, मतलब कोई भी वर्टिकल चीज़ हो, ठीक है ना, बिल्डिंग हो, उसका हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम पेडेस्टल को भी और स्टैचू को भी एक वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो तो फिगर बनाते हैं इसका, क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो पहले हम पेडेस्टल बनाते हैं। तो ये मान लो मेरा, पहले ग्राउंड बना लेते हैं, ये मेरा ग्राउंड है और ये पेडेस्टल है, ठीक है, ये मान लो पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू खड़ा है, यानी कि 1.6 मीटर हाइट है स्टैचू का। तो ये मान लो मेरा स्टैचू है कुछ, ठीक है। अब इसको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को हम बी बोल रहे हैं और इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं। तो यहां पे ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैचू को, बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेडेस्टल रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों को ही हम वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। तो दिखाना पड़ेगा कि ए बी क्या है, बी सी क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। टॉप ऑफ स्टैचू क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैचू ये होगा, ए पॉइंट क्या होगा, टॉप ऑफ स्टैचू होगा इस 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, ठीक है। तो पेडेस्टल का टॉप क्या होगा, पेडेस्टल का टॉप पॉइंट बी होगा और स्टैचू का टॉप पॉइंट ए होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्राउंड पे कहीं एक पॉइंट है, तो मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे कोई ऑब्जर्वर है जो कि एक बार स्टैचू के टॉप पे देख रहा है और एक बार पेडेस्टल के टॉप पे देख रहा है। और एक और बात याद रखेंगे इस क्वेश्चन में, ऑब्जर्वर का हाइट के बारे में कुछ बात नहीं किया है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्वर के हाइट के बारे में बात नहीं किया गया है तो उस केस में ऑब्जर्वर को हम पॉइंट साइज मान के चलेंगे, क्लियर यहां पे। तो यहां पे मेरा जो भी ऑब्जर्वर है पॉइंट साइज है। अब पॉइंट साइज ऑब्जर्वर के लिए जो ग्राउंड होता है वही मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है, क्लियर है। चलो तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे देखेगा यानी कि स्टैचू के टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, तो लाइन ऑफ साइट मेरा ये होगा कुछ, ठीक है ना। लाइन ऑफ साइट हम पढ़ते आ रहे हैं, लाइन ऑफ साइट क्या होता है,
कि जिस भी पॉइंट पे हम देख रहे हैं और ऑब्जर्वर को मिलाने वाला लाइन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन क्या होता है, मेरा लाइन ऑफ साइट होता है, ठीक है। अब फिर क्या है कि पेडेस्टल के टॉप पे देख रहे हैं, तो पेडेस्टल के टॉप पे देखेगा तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा मेरा, ऐसा होगा कुछ, ठीक है, क्लियर है यहां पे। तो ये मेरा फिगर बन गया। यहां पे हम लिख भी देंगे कि एबी क्या है, एबी मेरा स्टैचू है या हाइट ऑफ स्टैचू बोल सकते हैं, और बीसी क्या है मेरा, पेडेस्टल है, ठीक है, पेडेस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो ऑब्जर्वर जब स्टैचू के टॉप पे देख रहा है तो उस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, क्लियर है, कितना है 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है। और यही ऑब्जर्वर जब पेडेस्टल के टॉप पे देख रहा है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है मेरा, 45 डिग्री है, ठीक है। और यहां पे स्टैचू का लेंथ दिया है, हाइट दिया है बल्कि 1.6 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, दिया है क्वेश्चन में कि हमको पेडेस्टल का हाइट निकालना है कि कितना होगा, ठीक है, यानी कि हमको बीसी का लेंथ निकालना होगा कि बीसी का लेंथ कितना है, क्लियर है यहां पे। चलो इस पॉइंट को हम डी बोल देते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पेडेस्टल के हाइट को हम एच मान लेते हैं, ठीक है, निकालना है इसको तो हम एच मान लेते हैं, तो लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी एच मीटर, कुछ नहीं मालूम है तो एच मान लिए, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको, तो लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी एच मीटर, ठीक है, मान लेते हैं कि एच मीटर, एच कुछ भी हो सकता है, अभी सॉल्व करने के बाद मालूम चलेगा, क्लियर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यहां पे पेडेस्टल तो 90 डिग्री बनाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। हम बताए कि जो भी वर्टिकल बिल्डिंग हो, कुछ भी, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन हो, वो हमेशा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री ही बनाएगा, ये मान के चलना है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखेंगे, इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक दिख रहा है ए सी डी, ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और एक छोटा वाला दिख रहा है, कौन सा, ट्रायंगल बी सी डी, यानी कि इस फिगर में हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है और दोनों का यूज करके हम एच निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन और आएगा कि यहां पे कौन सा टी रेशियोज यूज करेंगे कि हम जो भी हमको रिजल्ट चाहिए वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कॉमन है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कॉमन है, यानी कि जो सी डी है वो छोटे वाले ट्रायंगल का भी बेस है और बड़े वाले ट्रायंगल का भी बेस है। तो जो भी टी रेशियोज लेंगे उसमें बेस होना चाहिए, क्योंकि कॉमन है, हाइपोटेनस लेने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस दोनों का अलग अलग है। तो जो कॉमन साइड होता है ना, तो उस कॉमन साइड को लेना पड़ता है, भले उस साइड का लेंथ दिया हो चाहे नहीं दिया हो, कॉमन साइड का जब लेंथ लेके हम सॉल्व करते हैं आगे तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड हमको ये बेस दिख रहा है, यानी कि सी डी दिख रहा है, क्लियर है यहां तक। चलो अब और बात किस पे हो रहा है, बात परपेंडिकुलर पे हो रहा है, यानी कि हमको वैसा टी रेशियो यूज करना होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आए, ठीक है। तो वैसा कौन सा होता है, टैन होता है, कॉट होता है, ठीक है। चलो तो लेते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। तो पहले छोटा ट्राइंगल लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, तो टैन का यूज करना होगा या कॉट का भी यूज कर सकते हैं, तो कॉट तो रेसिप्रोकल होता है, टैन ही यूज करते हैं, आंसर दोनों से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों से आएगा। तो जब बेसिक टी रेशियो से काम हो जा रहा है तो रेसिप्रोकल लेने से कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। तो टैन लेते हैं, तो छोटे वाले ट्राइंगल के लिए एंगल क्या है मेरा, 45 डिग्री है, तो लिखेंगे टैन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरा बीसी, बेस क्या है सी डी, क्लियर है यहां तक। चलो तो बीसी को हम एच माने हैं तो इसको एच लिखते हैं डिवाइड बाई सी डी, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे टैन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इक्वल टू एच अपॉन सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी कितना आ जाएगा, एच की इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 लेके छोड़ देंगे क्योंकि आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक। अब ए सी डी ट्रायंगल में भी टैन ही यूज करना होगा,
क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस पे ही बात कर सकते हैं, और तो हाइपोटेनस दिया नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या है बड़े ट्रायंगल के लिए, 60 डिग्री है, तो लिखेंगे टैन 60 डिग्री बराबर। अब 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये पूरा एसी होगा, और बेस तो मेरा सीडी ही है, तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। अब टैन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो टैन 60 का वैल्यू रूट 3 होता है एसी। अब ध्यान से देखेंगे, इस पूरे एसी को ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, और ए बी का लेंथ 1.6 है और बी सी को एच माने हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.6 प्लस एच। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम पूरे एसी को ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, यहां पर हम दिखा दे रहे हैं, एसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है मेरा 1.6, बी सी कितना है एच, वही लिखे यहां पर, एसी की जगह पे 1.6 प्लस एच लिख दिया डायरेक्ट। क्लियर है, चलो अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। अपॉन सी डी है ना, नीचे अपॉन सी डी, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, इसको इक्वेशन हम 2 लेट करते हैं, ठीक है। अब 1 और 2 का यूज करके, ध्यान से देखेंगे, 1 और 2 इक्वेशन का यूज करके हम सी डी के जगह पे डायरेक्ट एच लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि इक्वेशन 1 से क्या मालूम चला है कि सी डी जो है एच के इक्वल है, यानी कि जो बेस है वो परपेंडिकुलर यानी कि एच के इक्वल है, तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के दोनों का यूज करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ठीक है ना, चलो तो यहां से क्या आ जाएगा, रूट 3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच डिवाइड बाई सी डी, किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, तो यहां पर सी डी की जगह पे क्या लिख देंगे, एच, क्योंकि हमको लास्टली क्या चाहिए, एच चाहिए, यानी कि हाइट ऑफ पेडेस्टल चाहिए हमको, तो जो भी दूसरे वेरिएबल्स आ रहे हैं, दूसरा साइड आ रहा है, तो उसको हमको क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, इसके जगह पे हम एच लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में आ चुका है कि सी डी जो है एच के इक्वल है, तो यहाँ पे एच हो गया। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो अभी जगह है नहीं, तो पॉज करके पहले इसको नोट करें, हम ऊपर थोड़ा सा क्लीन करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब इसी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट 3 इंटू एच हो जाएगा, रूट 3 इंटू एच इज इक्वल टू यहाँ पे 1.6 प्लस एच हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, चलो अब एच को एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 3 एच, ये प्लस में इधर आएगा, तो माइनस एच इज इक्वल टू 1.6, ठीक है, मीटर लास्ट में लिख देंगे। क्लियर है, अब देखेंगे ध्यान से, दोनों टर्म में एच कॉमन है, तो एच कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा रूट 3 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे h कॉमन कर लिए, ठीक है ना, h बाहर निकाल लिए, तो रूट 3 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि h से डिवाइड करना होता है, कॉमन करने का मतलब डिवाइड करना, तो दोनों को जब h से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रूट 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 1.6। अब हमको h चाहिए, तो इस पूरे टर्म को इधर भेजना होगा, तो ये पूरा टर्म इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिविजन हो जाएगा, तो h इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस, ठीक है, इतना मीटर आंसर हो जाएगा मेरा, रूट 3 माइनस 1 इतना मीटर आंसर हो गया, यानी कि हाइट ऑफ पेडेस्टल क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और अगर इसको हम चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल नंबर है, तो जब डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होता है तो उसको रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा 1.6, बेसिकली जो भी आंसर दिया रहता है बुक में वो रेशनलाइज करके ही दिया रहता है, तो ये है रूट 3 माइनस 1, जब रेशनलाइज करते हैं तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 3 प्लस 1, ठीक है, तो 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 ऐसे ही छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, डिवाइड बाई, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म का है, जहाँ पे a की जगह पे रूट 3 है, b की जगह पे 1 है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब रूट 3 का स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर का मतलब रूट 3 का स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा, तो डायरेक्ट 3 लिख रहे हैं, माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्लियर है यहाँ तक, चलो यहाँ से आ गया 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 होगा, ठीक है ना, 0.8 होगा, और रूट 3 प्लस 1 मीटर इतना आंसर होगा, क्लियर है, समझेंगे यहाँ तक, ये आंसर यहाँ तक है, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, यहीं तक, तो लास्टली यही पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर, यहां पे लिख रहे हैं
therefore height of the pedestal, height of the pedestal, ठीक है ये बेस जो पिलर टाइप का है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल इसका कितना होगा 0.8 × √3 + 1 मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है तो थोड़ा जगह कम था तो वहां पे हम लिख दिया, ठीक है समझ में आया होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चन को इस तरह के, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना ज्यादा होता है, चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है अलग अलग बुक से भी, आर्य सरवाल से, आर्य शर्मा से, ठीक है चलो। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।